हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरस ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, ये एक क्रिएटिविटी क्लास है। हम ये क्रिएटिविटी क्लास 15 डेज तक चलाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप चाहते हैं आपकी भी रिक्वेस्ट हम सुने और आपके लिए भी कोई वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है मनराज शर्मा की तरफ से, और ये 15 डेज तक चलेगी क्रिएटिविटी क्लासेस, जिसमें हम आपको वेस्ट मटेरियल से सब बनाना सिखाएंगे, चाहे वो बॉक्स हो, बैंगल से कोई आर्ट हो, पेपर आर्ट हो, और अगर और भी आप आर्ट चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट आर्ट क्लास है वो है बो मेकिंग के बारे में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। बो मेकिंग जो है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। जैसे अगर कभी हमें कार्ड बनाना होता है या फिर हमें कोई फाइल बनानी होती है, तो हम मार्केट भागते हैं बो खरीदने के लिए, और हम 10-15 रुपीज़ तो इसी में हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल पेपर से भी हो सकती है, और वेस्ट मटेरियल जो आपके होम में अवेलेबल है उससे बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ मैंने एक छोटी सीजर ली है और एक बड़ी सीजर ली है। अगर आपके पास छोटी हो तो भी चलेगा और बड़ी हो तो भी चलेगा। फेविकॉल ली है मैंने, और मैंने ली हैं थोड़े से बीट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ, ये बीट्स जो हैं मैंने अपनी जो हेयर पिन है वहाँ से उतारे हैं। मेरी हेयर पिन जो हेयर पिन थी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी, तो वो काम की नहीं रही थी, तो वहाँ से मैंने ये स्टोन्स उतार लिए। तो आप भी वेस्ट में से ज़रूर यूज़ करें कुछ ना कुछ, और अगर आपके पास कोई ओल्ड हेयर पिन हो या फिर आपके पास कोई मोती बच जाता है तो आप उसे फेंकिए मत, उसको संभाल के रख लीजिए। स्केल, मेजरिंग स्केल चाहिए और पेंसिल चाहिए, और ये मैंने लिया है पेपर। मैंने यहाँ पर ये बिंदियों वाला पेपर लिया है। आप सिंपल शीट भी ले सकते हैं, जो प्लेन वाइट पेपर होता है वो भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं आप। मेरे पास ये अवेलेबल था, अभी पड़ा था, तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले आप ये जो पेपर है इसका मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। अगर ये मैंने जो है 14 इंचेस का जो आपका ये है, मैं आपको बता दूँ, मैंने स्केल से यहाँ से लेके 14 सेंटीमीटर तक मैंने यहाँ पे जो स्केल है वो लिया है। सारे एजेस इसके 14 हैं। मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये भी 14, ये भी 14, और ये भी 14। सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस पेपर को हम बैक साइड में ऐसे रख देंगे इसे। उसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे एक तरफ से, देखिए ट्रायंगल की तरह हम फोल्ड करने जा रहे हैं। मैं आपको सारा दिखा देती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियरली दिख पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप इसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब आप इसे ओपन करेंगे इस ट्रायंगल को, ये देखिए ऐसा था ये पेपर, हमने ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पे जो है लाइन आप देख सकते हैं। अब जिस एंगल में लाइन आई है, अगर आपने ऐसे फोल्ड किया है, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोल्ड करेंगे। प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लाइन्स आराम से दिख सकें आप जब आप इसे खोलें। तो अब आप देख सकते हैं कि चारों एंगल्स में जो है हमारी लाइन है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देख सकते हैं, ये आराम से आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो है इसको, जब इसके लाइन्स हो जाएं, ऐसे रखेंगे। आपको 4 ट्रायंगल देख सकते हैं आप, 1 2 3 4। तो हम जिस साइड से, आप नीचे से, यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। सीज़र ले लीजिए, यहाँ मैं छोटी सीज़र से भी काम कर रही हूँ, आप बड़ी सीज़र से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको ईजी लगे। तो मैं ये जो है नीचे से एक तरफ से इसको काटूंगी। और इसको मैं अलग कर दूंगी। मैंने ये ट्रायंगल जो है काट के अलग कर दिया। ये कुछ ऐसे दिखता है
आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये ऐसा हो जाएगा, नीचे से आप देख सकते हैं डब्लू सी शेप ले ली है इसने, अब हम इसे ऐसे सामने की तरफ करेंगे हम फोल्ड। जब हम सामने की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं आप, ये ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी ये साइड है, जो लेंथ है जिसकी, जहाँ जिस तरफ की लेंथ ज़्यादा है वहाँ से हम जो है इसको बराबर कर लेते हैं पहले। वहाँ से हम जो है थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप में काट लेते हैं, ज़्यादा नहीं काटना फ्रेंड्स, ज़्यादा काट लेंगे तो सारा पेपर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ये काम मैं बड़ी सीजर से ईजीली कर लेती हूँ। जो है हमने काट लिए हैं, ये की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो रही है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे ये जो सेमी सर्कल है थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ थोड़ा सा और कार्व आउट कर लूँगी इसको। देखिए अब ये परफेक्ट हो गई है, ये ऐसा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जैसे कि मैंने यहाँ से ट्रायंगल काटा था वैसे ही ट्रायंगल मैं यहाँ से भी काट लूँगी। बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि ये मैंने जो ट्रायंगल है पूरा अलग कर दिया, पर ये मैं जो है ट्रायंगल पूरा अलग नहीं करूँगी। अब यहाँ से आप लेके जाइए, यहाँ पे आके रुक जाइएगा, पूरा मत काटिएगा वरना आपकी बो जो है ख़राब हो जाएगी। यहाँ से भी जो है मैं कर लूँगी बस इतना सा, और ये जो है ऐसे हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करें, ये ऐसा हो गया है आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसका एक एंड लूँगी, इसको यहाँ पे फोल्ड करूँगी, फिर यहाँ से मैं दूसरा एंड लूँगी, इसे जो है मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी। और अब विद द हेल्प ऑफ ग्लू हम ये काम करेंगे। फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके सेंटर पे लगाऊंगी ग्लू, इसके दोनों साइड पे यहाँ पे और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ग्लू पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए इसे प्रेस करके रखिएगा क्योंकि अभी अभी जो ग्लू है वो एकदम फ्रेश है तो इस वजह से ये स्टिक नहीं कर पा रही है। इसको 2 मिनट हम दबा के रखेंगे। सेम जो प्रोसेस है वो हम अपना दूसरी तरफ से भी ये स्टेप करेंगे फ्रेंड्स। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, इसे फिर से हम, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अभी फेविकॉल जो है वो ताजी है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे पास जो बीड्स है आप देख रहे हैं, ये मैंने कोई बाजार से बीड्स नहीं खरीदे हैं, मेरे पास ओल्ड क्लॉथ पड़ा था उस पर जो थोड़े से बीड्स लगे थे मैंने वहीं से लिए हैं। आप भी वहीं से लीजिए। यहाँ पे थोड़ी ग्लू और चिपका दूँगी तो ये निकल रहा है, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अभी ये फ्रेश है दैट्स व्हाई निकल रहा है, थोड़ी सी और ग्लू और यहाँ पे बीच में जो है ये बीड्स जो है चिपका रही हूँ। अब फ्रेंड आप ये सोचेंगे कि अब जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा निकल के आएगा। फाइनल रिजल्ट हम दिखा रहे हैं, अब ये जो है इसका क्या करना है आप ये सोचेंगे। ये देखिए इतनी सुंदर हमारी बो बन रही है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे करके कटिंग कर लेंगे, पतली पतली स्ट्रिप में एक तरफ से काटा फिर दूसरी तरफ से भी हम इतनी ही पतली जो है वो स्ट्रिप काट लेंगे। और ये जो ट्राइंगल है इसको हम धीरे से सीधे की हेल्प से जो है अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल वो थोड़े से ही टाइम में जो है ये देख सकते हैं आप, फाइनल रिजल्ट देख लीजिए।
थोड़ा सा ग्लू की वजह से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि फ्रेश था। आप थोड़ा टाइम रेस्ट करने दीजिए, मुझे आपको दिखाना था इसलिए मुझे फटाफट करना पड़ा। ये देखिए कितना सुंदर जो है वो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है। आप घर पे इतनी सुंदर, इजी और जल्दी से फटाफट वो विदाउट वेस्टिंग मनी और ओल्ड से बना सकते हैं। आप वाइट प्लेन पेपर से भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप कलरफुल बीड लगाएंगे वो भी सुंदर लगेगा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, और भी हमारी वीडियोस के लिए, क्रिएटिविटी वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको किस चीज़ की चाहिए। जो भी फेस्टिवल रिलेटेड वीडियोस हो, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस हो, आपको जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट चाहिए हम वो देंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम अपनी नेक्स्ट क्रिएटिविटी क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अपलोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।